जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मतलब जगत के सबसे बड़े योजनाकार, एक ऐसा नाम जिनके साथ अनेकों उदाहरण और किस्से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए बेमिसाल शिक्षाएं और नीतियां आज से सदियों पहले ही दे दी थी। ये शिक्षा और नीतियां छिपी हैं उनकी लीलाओं में जो उन्होंने अपने जीवन काल में पृथ्वी पर रची थी। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया सामान जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल जरूर मिलता है, जिसमें उस डिवाइस की सभी संभावित समस्याओं का हल पहले से लिखा होता है। श्री कृष्ण भी हम इंसानों के जीवन में यूजर मैनुअल की तरह ही हैं, जिनकी शिक्षाओं में हमें हमारी जीवन की लगभग सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। और इसलिए आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम उनके जीवन की कुछ ऐसी ही लीलाओं के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम भी उनकी लीलाओं से सीख लेकर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो सकें। स्टार्टअप के लिए जो पहली शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से मिलती है वो है कर्म करने की। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता करना आपका काम नहीं है, वो आपके कर्म के अनुसार आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। इसे आज के स्टार्टअप के परिप्रेक्ष्य में समझें तो हमें सिर्फ अपने बिजनेस आइडिया को सही प्लानिंग और तैयारी के साथ सिर्फ एग्जीक्यूट करने पर ही ध्यान देना होगा, ना कि इस बात पर कि अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि किसी स्टार्टअप के फेल होने या सफल होने पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने स्टार्टअप आइडिया के सफल एग्जीक्यूशन की तैयारी करने पर है। याद रखें कि अगर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने में फेल हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप आइडिया को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने की तैयारी पर होना चाहिए, ना कि अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा पर। तो अभी से इस वाक्य को रट लें कि पूरी लगन के साथ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्टार्टअप्स के लिए जो दूसरी शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से मिलती है वो है लगातार कोशिश करते रहने की कला, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर एक बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीवन में फिर कोई दूसरा बिजनेस आइडिया ट्राई ही नहीं करेंगे। याद रखें, एक सफल बिजनेस को खड़ा करने से पहले आप कई असफलताओं का भी सामना करेंगे, पर हर असफलता के बाद आपको फिर से उठ खड़ा होना होगा नए बिजनेस आइडिया के साथ, नए जुनून के साथ। खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना आपके जीवन का अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े यानी कि अश्व तब तक रुका नहीं करते जब तक वो अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। इसलिए अगर एक आइडिया फेल हो जाए तो दूसरा ट्राई करिए, दूसरा भी फेल हो जाए तो तीसरा ट्राई करिए, पर कोशिश करते रहिए। अगर आपका सिर्फ एक भी स्टार्टअप आइडिया सफल हो गया तो आपकी जीवन भर की असफलताएं पीछे छूट जाएंगी। जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर हुए हैं उनकी अगर जीवनी उठाकर देखें तो लगभग लगभग सभी ने कई आइडिया ट्राई किए, कई असफलताओं का मुंह देखा, पर उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। एक के बाद एक नई कोशिशें, और तब जाकर वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाए। स्टार्टअप के लिए जो तीसरी अनुकरणीय शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं में हमें मिलती है वो है, जीवन में संघर्ष से पीछे मत हटिए, पर जो संघर्ष आपको किसी निष्कर्ष बना ले जाए उसे छोड़ देने में ही भलाई है। उसके पीछे लगे रहना मात्र समय और पैसे की बर्बादी है। जरासंध नाम का राजा बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था और श्री कृष्ण से हार जाता था, पर वो फिर भी बार बार आकर आक्रमण करता ही रहता था। पर जब श्री कृष्ण को ये लगा कि इस संघर्ष का कोई निष्कर्ष नहीं है और इससे उनकी ऊर्जा और वक्त की बर्बादी ही हो रही है, तब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और एक नया नगर बसा लिया जिसका नाम था द्वारका। और जरासंध के रूप में जो इंसान उनकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को बेफिजूल ही बार बार बर्बाद कर रहा था, श्री कृष्ण ने उसे छोड़कर अपनी भलाई के लिए भाग जाना ही उचित समझा, और इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी कहलाया। हमारे जीवन में भी कई लोग, कई चीज़ें, कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त, एनर्जी, पैसा
सकारात्मकता जैसी कीमती चीजों को हमसे छीन लेती है और ऐसी चीजों से हमें नुकसान ही होता रहता है। इसलिए चाहे वो लोग हों, तरीके हों या कुछ और हो, अगर वो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो फौरन उससे दूर हो जाइए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के एग्जीक्यूशन पर ही फोकस कर सकें और अपना कीमती वक्त तथा एनर्जी को अपने स्टार्टअप को सफल बनाने में लगा सकें। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी बिजनेस प्लानिंग या किसी प्रोडक्ट से या किसी एम्प्लॉय से आपको फायदा ना होकर नुकसान हो रहा है, तो फौरन बदलिए, ताकि आप अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। स्टार्टअप के लिए जो चौथी शिक्षा श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से हमें मिलती है, वो है क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को प्राथमिकता देना। जब महाभारत के युद्ध में कहा गया था कि कौरव और पांडव या तो श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना अपने साथ रख लें या फिर श्री कृष्ण को अपने साथ रख लें, और तब पांडवों ने पूरी सेना को छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण को अपने लिए चुना और दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़कर उनकी पूरी सेना को चुना। अर्जुन ये जानते थे कि अगर सिर्फ अकेले कृष्ण भी उनके साथ हो गए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, लेकिन दुर्योधन इसे समझ नहीं पाया और इस एक गलत निर्णय के फलस्वरूप युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर अकेले ही पूरे युद्ध का रुख पांडवों की जीत की तरफ कर दिया। इसलिए आप भी जीवन में ऐसा सोचने की आदत डालिए कि जरूरी नहीं कि भीड़ जिस फैसले के साथ है वो फैसला सही ही होगा। अगर आपको जीवन में कृष्ण की तरह एक भी सही सोर्स मिल गया तो आप बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाएंगे। बिजनेस की दुनिया में भी अक्सर एंटरप्रेन्योर दुर्योधन की तरह इंपॉर्टेंट सोर्स को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी की जगह क्वांटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है, और उसका खामियाजा भी उन्हें कभी कभी बिजनेस में नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। आप में से ज़्यादातर लोग एप्पल कंपनी के बारे में जरूर जानते होंगे। एक ऐसा दौर आया था जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई गई कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और उसके बाद कंपनी असफल होने लगी क्योंकि कंपनी ने अपने टीम के मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स में से एक को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस समय वो उन्हें प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस की तरह नजर आ रहे थे। कंपनी बुरी तरह असफल होने लगी और एक बार फिर स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लाया गया, और उसके बाद कंपनी ने जो मुकाम हासिल किया वो अपने आप में एक इतिहास है। तो आपके सामने भी कभी ऐसी दुविधा आए कि आपको अपने स्टार्टअप टीम में क्वालिटी और क्वांटिटी में से कुछ चुनना हो, तो क्वालिटी ही चुने, वरना आपको भी असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। स्टार्टअप करना एक पौधे को लगाने की तरह है, और स्टार्टअप रूपी पौधा एक फलदार वृक्ष बनने में तभी सफल होता है जब उसके इर्द गिर्द एक काबिल टीम सेफगार्ड की तरह तब तक रहे जब तक कि पौधा खुद पेड़ बनकर अपनी रक्षा करने के काबिल ना हो जाए। और ये टीम बनती है सही लोगों से, और उन्हें आपको बहुत सोच समझकर चुनना है। अगर आपने बिना सोचे समझे टीम के नाम पर सिर्फ एक बड़ी सी फौज ही जमा कर रखी है, जिसमें आप खुद तो अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो जाएं, पर श्री कृष्ण रूपी सारथी अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपका हारना तय है। स्टार्टअप के लिए पांचवी अनुकरणीय शिक्षा श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से हमें मिलती है, वो है एक के बाद एक सब कुछ खोते जाने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ते रहना और जीवन के दुखों से हार ना मानना। श्री कृष्ण के जीवन में एक एक करके उनसे सब कुछ छूट गया, पर हर बार वो आगे बढ़े और नई चुनौतियों को स्वीकार किया। श्री कृष्ण के जन्म देने वाले माता पिता उनसे छूट गए, उनको पालने वाले नंद बाबा और यशोदा उनसे छूट गए, उनका प्रेम यानी कि राधा का साथ उनसे छूट गया, बचपन के दोस्तों का साथ छूट गया, गोकुल उनसे छूट गया, मथुरा से उन्हें भागना पड़ा, अपने लिए उन्होंने द्वारका नगरी बसाई वो भी समुद्र में समा गई। एक एक करके वो सब कुछ हारते रहे, पर एक चीज जो उनसे नहीं छूटी वो थी उनकी सकारात्मकता और चेहरे पर मुस्कुराहट। अगर आप अपने किसी स्टार्टअप आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलते हुए देखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को भी जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है, कई बार हार का सामना करना पड़ता है, दोस्तों का, परिवार का, समाज का साथ छूटता हुआ सा नजर आता है, कई बार उपहास यानी कि मजाक का पात्र भी बनना पड़ता है, नाकामियां भी
और तिरस्कार सहना पड़ता है, ऑफिस को घर और डेस्क को बेड बनाना पड़ता है, फिर भी असफल होने का डर सफल होने की आशा पर हावी होता रहता है। ज़्यादातर लोग इतना कुछ सहने के बाद हार कर रुक जाते हैं, पर याद रखिए, जब भगवान श्री कृष्ण तक को भी सब कुछ सहना पड़ा तो आप तो सिर्फ एक इंसान हैं। स्टार्टअप के लिए छठी अनुकरणीय शिक्षा श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से हमें मिलती है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ यूनिटी, एकजुटता की ताकत। श्री कृष्ण के बाल जीवन का एक प्रसंग है, जब वो गोपियों का माखन चुरा कर खा जाया करते थे, तब उनसे तंग आकर गोपियों ने माखन बहुत ऊंचाई पर टांग दिया, ये सोचकर कि नन्हे कृष्ण की हाथ उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। पर श्री कृष्ण, जो कि अकेले तो सचमुच में इस ऊंचाई पर रखे माखन को नहीं पा सकते थे, उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद से वो माखन की मटकी भी हासिल कर ली। इसी घटना को आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़कर सेलिब्रेट करते हैं, और मटकी फोड़ने का ये आयोजन बड़ी धूमधाम से करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की ये घटना किसी भी स्टार्टअप आइडिया के सक्सेसफुल होने की एक बहुत ही जरूरी बात हमें बताती है, वो ये है कि जो काम किसी इंडिविजुअल के लिए नामुमकिन हो सकता है, वही काम अगर एक सही टीम के साथ किया जाए तो आसानी से मुमकिन किया जा सकता है। एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास बहुत सारे बिजनेस आइडिया होने जरूरी नहीं हैं, पर आपके पास एक काबिल टीम होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत सारे आइडियाज को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर पाएं। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण धरती पर आए थे, पर इतने सालों बाद भी कृष्ण अगर प्रासंगिक हैं, इतने सालों बाद भी कृष्ण अगर अनुकरणीय हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षाएं आज भी असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का साहस देती हैं। सच ही कहा है किसी ने कि समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, सिर्फ वही रह जाता है जो शाश्वत सत्य है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और जो हजारों वर्ष बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसलिए कृष्ण रह गए, न सिर्फ रह गए बल्कि और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। श्री कृष्ण के जीवन से इतना कुछ सीखा जा सकता है कि उसे इस एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। बस ये समझ लीजिए कि बात इतनी सीधी सी है कि सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। इसलिए आज इस वीडियो का अंत मैं इसी पॉइंट पर करूंगा, ताकि आप सही तरीके से बिजनेस करते हुए सफलता को पा सकें। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को अब इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।